ये सभी छात्रों के लिए बहुत काम की खबर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जीडी एग्जामशाला जो कि एटा के अंदर कोचिंग संस्थान है और इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी कंप्लीट होने वाली है 18 जनवरी को, यहाँ पर ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर सभी कोर्सेज पर भारी छूट इनकी तरफ से दी जा रही है। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए यहाँ पर आप लोग ये सभी कोर्सेज की जो फीस है, ये पहले इनकी जो फीस थी ये पूरा कट करके यहाँ पर आपको बता रखा है 4,000, 4,000, 5,000 और 5,000, 6,500। यहाँ पर सभी फैकल्टीज दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों को पढ़ाने के लिए आते हैं रेगुलर, और यहाँ पर आप लोग नीचे पता देख पा रहे होंगे निकट केशव सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल शांति नगर एटा, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए। बाकी पूरी डिटेल्स आपको इस कोचिंग संस्थान की हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। अगर आप लोग एटा या एटा के नज़दीक से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर एटा आने में कोई समस्या नहीं होती है, तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये बेहतरीन ऑफर साबित हो सकता है। कैसे हैं आप लोग, आई होप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को यहाँ पर एक अपडेट मिलने वाला है जिसमें की प्रमोशन को लेकर कुछ बातें कही जा रही हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट देता रहता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप सभी लोगों के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए सबसे पहले जो अपडेट है यहाँ पर ये देखिए आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से है। उससे पहले यहाँ पर ये एक और अपडेट देख लेते हैं। अब 23 तक सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं चलने वाली हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बता रखा था कि अब आपके जो कॉलेज और स्कूल हैं वो 23 तारीख तक बंद रहेंगे, जो कि मैंने आपको कल वीडियो के माध्यम से भी बताया था। यहाँ पर देखिए ये देखिए कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते एक बार फिर से शिक्षा संस्थानों में एक सप्ताह के लिए भौतिक कक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। 23 जनवरी तक सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित की जाएंगी। यहाँ पर देखिए ये बीच में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि 2 साल से स्नातक प्रथम वर्ष के एक छात्र बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत हो रहे हैं, लेकिन इस बार मिड टर्म के अंकों के आधार पर पास किया जा सकता है। यदि हालात सुधरे तो सेमेस्टर और मुख्य परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। यदि परीक्षाएं नहीं हुई तो छात्रों को मिड टर्म परीक्षाओं के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जा सकता है। स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के वर्ष और परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं पूर्व के वर्षों के तहत आयोजित कराई जा सकती हैं। हालांकि अभी विश्वविद्यालय प्रशासन कोरोना के हालात और शासनादेशों का पालन कर रहा है। तो ये अपडेट पूरा ही अपडेट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इस महीने होनी है प्री बोर्ड और प्रयोगियों की परीक्षाएं, ये माध्यमिक शिक्षा की तरफ से ये अपडेट आया है। बाकी अगला अपडेट ये देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो कक्षाएं हैं आपकी ऑनलाइन चलने वाली हैं। आगरा विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक अभी इस कन्फ्यूजन में हैं कि जो कक्षाएं हैं ऑनलाइन वो अपने घर से ली जाएं या फिर संस्थान जाकर ली जाएं। अब आप लोगों के लिए एक काम की खबर है, ये देखिए यहाँ पर एक और अपडेट था जिसमें कि जो पॉलिटेक्निक की परीक्षाएँ हैं वो भी स्थगित कर दी गई हैं। काफ़ी दिनों से ये मांग कर रहे थे।